खबर से आपको कराए रूबरू। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉइस। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। कहते हैं तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती, और ये तस्वीरें हैं रेवाड़ी के उस ROB की, जिसका निर्माण कार्य PWD विभाग द्वारा सितंबर 2021 में शुरू किया गया था। इसे 18 महीनों में बनाकर जनता को समर्पित किया जाना था, लेकिन आज पौने 3 वर्ष बीत जाने के बाद भी इसका निर्माण अधर में लटका हुआ है, जिससे होने वाली परेशानियों का खामियाजा इस रास्ते पर लगते 30 गांव के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। लेकिन संबंधित विभाग कुंभकर्णी नींद में सोया है और सुनने वाला कोई नहीं है। अब स्थानीय नागरिकों ने चेतावनी भरी लहजे में कहा है कि यदि 3 महीने में निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ तो विधानसभा चुनावों का बहिष्कार करेंगे। स्थानीय दुकानदारों और नागरिकों की माने तो इस मार्ग पर 3 वर्ष पहले बना रेलवे फाटक घंटों बंद रहने के कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। काफी प्रयासों के बाद यह ROP मंजूर हुआ तो लोगों में इससे मिलने वाली सुविधा को लेकर काफी खुशी थी, लेकिन 18 महीनों में बनने वाला ROB आज पौने 3 वर्ष बीत जाने पर भी अधूरा पड़ा है और मिलने वाली सुविधा अब दुविधा लगने लगी है। उन्होंने कहा कि ROB के अधूरे निर्माण के कारण यहां के दुकानदारों का कामकाज ठप हो गया है और अब इनके सामने 2 वक्त की रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। लाइन के उस पार अंतिम संस्कार के लिए शव यात्रा को भी 5 किलोमीटर लंबा सफर तय करना पड़ता है। अधूरे निर्माण के कारण अब फाटक भी 24 घंटे बंद रहता है, जिसके कारण एक से दूसरी तरफ जाने के लिए टेढ़े-मेढ़े रास्तों से होकर और अपनी जान जोखिम में डालकर बाइक सवारों और स्कूली बच्चों को रेलवे लाइन क्रॉस करनी पड़ती है, जो किसी खतरे से खाली नहीं। क्रॉस करते वक्त कई लोग दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं। लाइन के उस पार जाने के लिए कोई अन्य रास्ता भी नहीं, ताकि लोगों को कुछ राहत मिल सके। उन्होंने बताया कि अभी 2 दिन पूर्व ये लोग समस्या को लेकर जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल से उनके बावल आवास पर मिले थे, जिन्होंने संबंधित विभाग व रेलवे अधिकारियों से फोन पर बात करके इन्हें जल्द ही निर्माण पूरा करवाने का आश्वासन दिया। इन लोगों ने चेतावनी दी है कि लोकसभा चुनावों में इन्होंने भाजपा को पूरा सपोर्ट किया था, लेकिन अगर ये निर्माण विधानसभा चुनावों से पहले पूरा नहीं हुआ तो ये चुनावों का पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे और अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे। मगर कुछ भी हो, इसे लेकर संबंधित विभाग का कोई भी अधिकारी या कॉन्ट्रैक्टर कैमरे के सामने कुछ भी बोलने को तैयार नहीं हुआ। अब देखना ये होगा कि कब संबंधित विभाग कुंभकर्णी नींद से जागता है और कब तक ये निर्माण पूरा हो पाता है। जनता परेशान, सुविधा की जगह असुविधा। देखिए जी, पहले तो आपके चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, हमारे जनता को, हमारे लोगों की आप बात सुन रहे हैं। ये पुल आज से 3-3.5 साल पहले बना था लोगों की सुविधा के लिए, ताकि मतलब हम यहाँ से शहर से अपना हॉस्पिटल, अपना बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन जा सकें। लेकिन पिछले 3 साल से हम परेशान हैं, इस ठेकेदार ने कोई हमारा सर्विस रास्ता नहीं दिया गया साइड देने की। हमेशा ठेकेदार अलग से रास्ता देते हैं, और कोई कहीं किसी गली से निकल रहा है, कोई किसी गली, कोई रेलवे वो निकल रहा है, रेलवे लाइन बांध के निकल रहा है, कई इतने हादसे भी हो लिए रेलवे लाइन निकलने के बाद भी। लेकिन यहाँ 4-4 कॉलोनियाँ हैं, यहाँ मतलब गांव 20-25-35 गांव लगते हैं, मतलब इतना बुरा हाल है। यहाँ कोई अगर लेडीज अगर मतलब गर्भवती भी अगर यहाँ जाती है डिलीवरी के लिए तो वो भी बेचारी यहाँ फंस के रह जाती है, और कोई मतलब हार्ट का मरीज आ जाता है वो भी थोड़ी देर टाइम लगता है, तो आध घंटे पहुँचता है हॉस्पिटल में, कोई मतलब जी नहीं सकता। ऐसे हमारे जो सब यात्रा आती है, सब यात्रा भी बताओ खाबड़ रास्ते में निकल कर जाते हैं, और हम सारी कॉलोनी के आदमी खड़े बड़े दुखी हैं। कहीं कॉलोनी में निकलते हैं, कहीं रामपुरा से निकलते हैं। हम चाहते हैं इसको तुरंत समाधान हो जाए, हमारा रास्ता निकाला जाए। हम शहर से कट के रह गए हैं, बुरा हाल है। मतलब कहीं रास्ता ही नहीं, देखो कहीं रास्ता नहीं है। यहाँ हमारा गायें बैठती है, मतलब यहाँ पशु बैठते हैं, बुरा हाल है। मनोज, क्या कहना चाहेंगे आज ये लोग इकट्ठा हुए हैं यहाँ पर इस पुल को लेकर? ये पुल है जी, 2 साल का काम था, ये 3 साल पूरे हो गए। 2021 में चालू हुआ था काम, ये 2024 आ गया, चुनाव सिर पे है। इस रोड पे 35 गांव हैं, कॉलोनी बसी है, 2-3 हज़ार लोगों की कॉलोनी है, सभी लोग परेशान हो रहे हैं। सरकार ना सुन रही ना कुछ बात है। कल हम इस मामले के लिए डॉक्टर बनवारी लाल के पास भी मिलने गए थे। डॉक्टर बनवारी लाल जी ने कहा है भाई मैं इस काम को जल्दी प्राथमिकता से देखता हूँ, लेकिन उन्होंने रेलवे अधिकारी से भी बात करी, रेलवे अधिकारी ने उनसे आश्वासन दिया है कि जल्दी काम पूरा होगा। अब आप लोगों का आगे देखते हैं कितना काम पूरा होता है। ये वो किस प्रकार की परेशानी आती है, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं काफी दुकानें हैं, यहाँ पर दुकानदार भी है, बच्चे भी स्कूल जाते हैं। इस रोड पर आगे जाके 2 स्कूल हैं बड़े, बच्चे स्कूल नहीं जा पाए ढंग से, रास्ते नहीं है। रामपुरा में जाते हैं वहाँ पानी भर जाता है रास्ते में, आगे आगे वहाँ कभी गलियाँ बंद है, कभी कुछ बंद है।
पब्लिक परेशान हो रही है जी। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं जल्दी से जल्दी पुल पूरा हो, लोगों को सुविधा हो। सरकार सुविधा देने के बजाय आदमी को परेशान कर रही है। क्या कहेंगे इस पुल को? जी सबसे पहला तो मैं ये कहता हूँ कि मैं पार्षद दीपक सैनी और भाई यहाँ का तो इतना बुरा हालात हो गया 2021 से देख रहे हैं, जितनी जनता परेशान है। दो साल का टाइम देते हैं, तीन तीन साल हो जाते हैं, सारे दुकाने वाले परेशान हैं, सारी कॉलोनियाँ 35 गांव लगते हैं और उसके बावजूद काफ़ी दिन हो गए लोग बाग कहते हैं ना सर्विस रोड है ना साइड रोड है, पीछे इसकी ज़मीन एक्वायरमेंट करी हुई थी, इन्होंने बोला कि भाई बाईपास निकाल देंगे जी, कुछ कच्चा रास्ता दे दें ताकि जनता तो निकल जाए। आज तीन सालों से आप ये मान के चलो कोई भी बुजुर्ग एक्सपायर हो जाता है ना तो शमशान घाट इस तरीके से जाया जाता है, रोड रप्पा में से कोई बुजुर्ग गिर जाता है, कोई जा नहीं पाता है। मतलब इतना बुरा हालात हमने कभी नहीं देखे रेवाड़ी के, जैसा आप कर रहे हैं। सरकार नहीं पता क्या चाह रही है, क्यों नहीं चाह रही है कि जनता कह रही है, उसके बाद भी कोई सुनने वाला नहीं है। नेता लोग तो सारे अंधे बहरा हो चुके। अभी तक किन किन लोगों से मिले आप? काफी मिले, इससे पहले हमारे लोग बनवारी लाल जी के पास भी गए, वो भी कह देते हैं जी रेल अधिकारियों से मिलेंगे, फलाना से मिलेंगे, ऐसे काम थोड़ी चलेगा। आज हालात देखो आप, पूरी कॉलोनी में जाकर देखो क्या हालात इन्होंने किया है, सारे गाँव वाला परेशान है। और भाई ये कह रहे हैं कि या तो ये 10-15 दिन तक मान जाए, ये काम हो जाए, नहीं होता तो हम धरने पे बैठेंगे और सरकार के खिलाफ नाराबाजी करेंगे और लड़ने को तैयार है। जब गवर्नमेंट ने इस फ्लाईओवर को अप्रूव किया तो अब बहुत खुशी की बात थी, लेकिन उसके बाद जितनी तकलीफें उठाई वो तो ब्याह करने के लायक ही नहीं है। और हमने सरकार को भी बहुत सपोर्ट किया, अब की बार हमने बीजेपी के बनाने में खूब कोशिश भी करी है, लेकिन अगर ये ऐसा ही हालात रहे तो हम आगे इसका विधानसभा के जो इलेक्शन आ रहे हैं उनमें सपोर्ट नहीं करेंगे और अब हम इनके खिलाफ भी करेंगे। लोग बाग अवैध तरीके से लाइन क्रॉस करके जा रहे हैं, जो भी यहाँ पे खतरा हो सकता है, बच्चे अभी आपके सामने भी देखो कितने क्रॉस कर रहे हैं यहाँ पे, आप भी दिखा सकते हैं। और यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई शहर में जाने का कोई रास्ता नहीं है, हम घूम के जाते हैं जहाँ से 8 किलोमीटर दूरी पे, जबकि हम यहाँ 1 किलोमीटर दूरी पर रहते हैं, 8 किलोमीटर तय करके आना पड़ता है। 4 कॉलोनी है, साइड से भी कोई रास्ता नहीं दिया जो कॉलोनी में आदमी जा सके, इनको बहुत भारी परेशानी हो रही है। तो सरकार हमारा कुछ इसका समाधान करे और हम सरकार के साथ हैं। अगर ये महीने दो महीने के टाइम में होता है तो ठीक है, नहीं तो हम इसका अगले चुनाव में विरोध करेंगे, अगले चुनाव में इनका समर्थन नहीं कर पाएंगे। सर इस पुल को लेकर 3 साल से पूरी चारों कॉलोनियां और 35 गांव इतने परेशान हैं कि घर से निकलना दुभर हो गया है। साइड से इन्होंने अपनी दीवारें लगा दी हैं, लोग घरों में क्लोज हो गए हैं, बाइक तक का रास्ता नहीं है, ना कोई सर्विस रोड दिया गया, पुल बनाने से पहले भी नहीं दिया गया, पुल बनने के जब काम चालू है उस समय भी कोई सर्विस रोड नहीं है। कॉलोनियों से होकर जाते हैं, वहाँ किसी का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, किसी रोड में खड्डे हैं तो वहां से जा नहीं पा रहे। मतलब 3 साल से अगर कोई बच्चा भी बीमार हो जाए, कोई बूढ़ा बीमार हो जाए, कोई शव यात्रा निकालनी है तो लाइन को फांद कर जाना पड़ता है या फिर बिठवाना से होकर जाना पड़ता है, और जिसमें कम से कम नहीं तो 4-8 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है और वहां भी फाटक लगती है। अगर वो फाटक बंद है तो मेरे ख्याल से मरीज आदमी की तो जान निकल जाए। इतने परेशान है, कोई आस जगी थी कि इस पुल को लेकर कोई हमारे समाधान होगा इस फाटक का, लेकिन 3 साल से तो इतना बुरा हाल है कि यहाँ का जीना दुभर हो रहा है जी। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज़ वाइज।